वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास सिक्स के लिए मजमून लिखने का तरीका बताऊंगी, ताकि सभी बच्चों को एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक पर आसानी से मजमून लिखना आ सके। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि किसी भी मजमून को लिखने के लिए तीन सवालों का जवाब आपको देना होगा। पहला क्या, दूसरा क्यों और तीसरा कैसे। फर्स्ट पैराग्राफ में टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, यानी कि खेलों की अहमियत क्या है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक, फर्स्ट पैराग्राफ में हमेशा इंट्रोडक्शन दिया जाता है, क्या वाले सवालों का जवाब। सेकंड पैराग्राफ को नफ्से मजमून कहते हैं, जिसमें टॉपिक से रिलेटेड हर बात को रीज़न के साथ लिखते हैं, यानी कि क्यों वाले सवालों का जवाब, के खेलों की अहमियत हमारी ज़िंदगी में क्यों इंपॉर्टेंस रखती है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। लास्ट पैराग्राफ को खात्मा कहते हैं, लास्ट पैराग्राफ में कैसे वाले सवालों का जवाब देते हैं, जिसके अंदर टॉपिक से रिलेटेड कोई अच्छाई, उसको सुधारने के लिए कोई पैगाम या कोई ख़ास बात वगैरह को लिखते हुए मजमून को ख़त्म कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। हर बच्चे के लिए खेलों की बड़ी अहमियत है, खेल के बगैर बच्चे की ज़िंदगी अधूरी है। माँ बाप भी उम्रों के एतबार से बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं। खेलने से जिस्म में चुस्ती और फुर्ती रहती है, सेहत भी ठीक रहती है। अच्छी सेहत के लिए खेलों का होना ज़रूरी है। पढ़ाई और खेल का भी गहरा ताल्लुक है, खेल के बगैर पढ़ाई और पढ़ाई के बगैर खेल बेकार होते हैं। कुछ खेल सस्ते और आसान होते हैं, इनको हर जगह बच्चा खेल सकता है, जैसे खो खो, टंड बैठक, दौड़, कबड्डी वगैरह। कुछ खेलों में सामान की ज़रूरत भी होती है, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी वगैरह। ये खेल गैर मुल्की खेल कहलाते हैं। अब आ जाओ सेकंड पैराग्राफ में। तो सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखोगे, खेलों से हमें वक्त की पाबंदी करना भी आता है, क्योंकि हर खेल के लिए मुकर्रा वक्त होता है। आपस में मेल मिलाप का सबक सीखने को मिलता है। कप्तान की बात को मानने से फर्माबरदारी का भी जज्बा पैदा होता है। ठीक, अब लास्ट पैराग्राफ है खात्मा। हमारे मुल्क में खेलों को अहम मकाम दिया जा रहा है। अच्छे खिलाड़ियों को इनामों का आराम से अवार्ड्स वगैरह देकर, इनामात देकर नवाजा जाता है। इससे दूसरों को अपनी कारकर्दगी यानी कि अपनी स्किल्स दिखाने का, अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है। खेलों के ज़रिए खिलाड़ी गैर मुल्कों में खेल खेलने जाते हैं और शानदार कारकर्दगी दिखाकर, अपना फ़न दिखाकर अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। इसलिए बच्चों में खेल का शौक़ पैदा करना ज़रूरी है, ताकि उनका मुकम्मल फ़रोग हो सके और मुल्क के वे अच्छे शहरी बन सकें। तो खेलों की अहमियत उनवान पर मजमून आपको एग्ज़ाम में इस तरह से लिखना है। क्लास सिक्स के लिए प्लेलिस्ट के अंदर क्लास सिक्स की पूरी ही ग्रामर, दोनों ही बुक, अपनी ज़ुबान, उर्दू गुलदस्ता, जान पहचान, जितनी भी आपकी क्लास सिक्स से रिलेटेड उर्दू है वो आपको मिल जाएगी। मैं लिंक प्लेलिस्ट में डाल दूँगी। अगर आप कमेंट करेंगे लिंक के लिए, तो मैं आपको कमेंट के थ्रू भी लिंक भेज दूँगी। अब अगर आपको ये मजमून अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।